गांव निमाना में किया जा रहा है और उसी के आयोजन के तहत आज एक विक्रमा का आयोजन किया गया है। हम पहुंचे हैं गांव निमाना में और बात करते हैं पार्षद जगवीर सिंह काला प्रधान निमाना से। आज ये किस तरह का कार्यक्रम है पार्षद जी? ठीक है भाई, हमारा ठाकुर जी वाला बहुत बड़ा मंदिर है गाँव निमाना में, प्रसिद्ध है धाम। और इस धाम में ठाकुर जी कृष्ण जी का अलग से मंदिर है जिसमें राधा कृष्ण जी की मूर्ति बहुत पुरानी स्थापित थी, लेकिन उसका कोई अंग खंडित होने के कारण दोबारा से राधा कृष्ण की नई मूर्ति की स्थापना की एक आयोजन किया गया है। उस आयोजन का आज पहला दिन है जिसमें सात हमारे पांच गांव तो मंदिर के और जो साथ में दो गांव लगते जो बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं हमारे यहाँ, उन सात गाँवों में इस परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। आज इस परिक्रमा का आयोजन करने के बाद कल 12 तारीख को सुबह 7 बजे निमाना गांव में कलश यात्रा होगी। उसके बाद 15 तारीख को जन्माष्टमी दिन, जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था उस दिन राधा कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। और 18 तारीख को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह हमारा प्रोग्राम है सातों गांवों की मदद से और पूरे इलाके की मदद से बहुत अच्छा पूरा प्रोग्राम होगा और सभी पूरे गाँव के अंदर बहुत ही एक त्यौहार की तरह उल्लास और हर्ष है। सात दिवसीय साप्ताहिक कथा का आयोजन गांव निमाना में किया जा रहा है और श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन गांव निमाना में किया जा रहा है जिसके तहत एक परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया गया है। और यह परिक्रमा यात्रा पहुंची है गांव सोंधी में और गांव सोंधी में इस परिक्रमा यात्रा के पहुंचने पर गांव वासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हम पहुंचे हैं गांव सोंधी में और बात करते हैं गांव के सरपंच अशोक कुमार से कि इस यात्रा और इस कलश यात्रा का जो कल से शुरू होने वाली है उसके बारे में इनकी क्या तैयारियाँ हैं। अशोक जी, हमारे गाँव में ये परिक्रमा पहुंचने पर हम पूरे गांव की तरफ से इसका स्वागत करते हैं और जो कल से यात्रा शुरू हो रही है उसमें लेडीजें बढ़ चढ़ कर भाग लेगी, क्योंकि ये मंदिर हमारा प्राचीन मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर है जिसे पांच गांव की मानता है। इसमें और भी अब कई गांव जुड़ चुके हैं तो इसके जो मूर्तियां थी ये कुछ खंडित हो चुकी थी तो उनकी दोबारा प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो उस पर उसमें भागवत कथा भी है तो और सात दिवसीय ये प्रोग्राम हमारे निमाना गांव के मंदिर में चल रहा है। सात दिन तक 18 तारीख का इसमें भंडारा है, 15 तारीख को मूर्ति स्थापना होगी। तो हम तो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और ये हमारे पूर्वजों की और सदियों पुरानी अपने ये मंदिर की जो चल रही है, हम इसमें बढ़ चढ़ के इसको प्रसार और प्रचार करेंगे इसका। और इसमें तहे दिल से सभी भाइयों का स्वागत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि भंडारे में बढ़ चढ़ कर लोग आए और प्रसाद ग्रहण करें। हमारे साथ हैं निमाना गांव से और स्थानीय पार्षद जगबीर सिंह। हम जगबीर जी से बात करते हैं। जगबीर जी, कल जो ये कलश यात्रा प्रारंभ होने जा रही है इसमें कितनी महिलाएं भाग लेंगी और आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं। संजय भाई, सबसे पहले तो मैं सोंधे गांव का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस परिक्रमा में हमारे गांव में प्रवेश करने के साथ ही बहुत भव्य स्वागत किया और जलपान से हमारा अभिनंदन किया है और पूरा सहयोग देने का समर्थन दिया है। रही कलश यात्रा की, कलश यात्रा में कल लगभग मेरा मानना है 300 के आसपास लेडीज़ कलश उठाएंगी, जो निमाना गांव से हमें अब तक मैसेज मिला है। आज पूरे सातों गांव में हम परिक्रमा करेंगे, उसके बाद सातों गांव से कितनी और हमारी माता बहन आती हैं उसके बाद शायद हजारों की संख्या में पहुँच सकती है। और इसका पूरा अच्छे तरीके से इसका हमें व्यवस्था कर रखी है, पूरा पंडित जी विधि विधान से इस कलश यात्रा को पूरी करवाएंगे जिससे हमारा ये प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का आयोजन सफल हो और आने वाले समय में हमारे मंदिर से जो भी भगत अपनी भावना लेके आएंगे, अपने अरदास लेके आएंगे, उनकी पूरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनके प्रति श्रद्धा बढ़े। श्री मद भागवत साप्ताहिक कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, उसकी क्या टाइमिंग रहेगी और कब से शुरू होकर कब तक चलेगा? संजय भाई, भागवत कथा 12 तारीख से 18 तारीख तक होगी जिसका समय 11 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक होगा और सातों दिन
यही समय रहेगा। इसमें हर गांव से भागवत कथा में हिस्सा लेंगे। हमारे मध्य प्रदेश से जो पंडित जी आए हुए हैं, शास्त्री जी हैं, वो इस कथा का आयोजन करेंगे और इस कथा में हम सभी शामिल होंगे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा का आयोजन गांव निमाणा के ऐतिहासिक दादा दामोदर दास मंदिर में किया जाएगा और आप देख सकते हैं श्रद्धा व भक्ति का अनूठा संगम। ट्रैक्टरों में महिलाएं, युवाएं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक परिक्रमा का आयोजन किया गया है, जिसमें यह परिक्रमा सातों गाँव से गुजरेगी और जगह जगह इस परिक्रमा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि सोंधी गांव में युवा सरपंच अशोक कुमार द्वारा इस यात्रा का स्वागत किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि हमारे गांव से भी काफी संख्या में बल्कि घर घर से हर व्यक्ति इस समारोह में शामिल होगा और कलश यात्रा में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं खुश अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे। और आप देख सकते हैं गाँवों में यह इस तरह के जो सामाजिक आयोजन है वो हमें परस्पर एकता भाईचारे का संदेश देते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों से एक गांव से दूसरे गांव को जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है।